रजिस्टर किया है, क्या पूरा मामला है और कितना सीरियस है पूरा मामला। वडोदरा शहर में जो भी आने वाले त्योहारों के दिन हैं उसको लेकर हम हमारा जो कम्युनल माहौल खराब ना हो उसको ध्यान में रखते हुए हमने सोशल मीडिया के ऊपर और हमारा जो इन्फॉर्मर का नेटवर्क है उसके थ्रू हमने जो कम्युनल माइंडेड लोग हैं उन पर ध्यान रखने का फोकस के हिसाब से हमने बहुत लग रहे थे। तभी हमें एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो ऐसा मिला जिसमें एक धर्म की युवती के साथ दूसरा धर्म का लड़का जब घूम रहे थे तो उनको कुछ 5 से 10 लोगों ने उनको घेरा और उनके साथ मिसबिहेव किया। तो इस वीडियो के जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हमको ये जानने को मिला कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे काफ़ी सारे युवक जुड़ाए हुए हैं और वो पर्टिकुलरली इसी तरीके का काम करते हैं कि कोई धर्म की युवती हो और दूसरे धर्म के लड़के के साथ घूमती हो तो उसको टारगेट करने का, उसके वीडियो उतारने का, उसको ह्यूमिलेट करने का और उसके वीडियो वायरल करने का, और उनको धमकी देते हैं और उनको सोशली जो है वो उनको नीचा दिखाते हैं। तो जब हमने तपास की तो हमें जो ग्रुप था एक आर्मी ऑफ महदी करके ग्रुप मिला और इस तरीके के ग्रुप में जो एडमिन थे उनको जब हमने पूछपरछ के लिए बुलाया तो हमें पता चला कि ये इस तरीके की एक्टिविटी होती है और इसमें ये लोग 3 से 4 महीने तक कोई भी एक व्हाट्सएप ग्रुप रन करते हैं, उसमें काफ़ी सारे लोग जुड़ते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया होता है और इस तरीके की लड़की कहीं हमें उनको दिखती है तो वो ग्रुप में मैसेज डालते हैं कि हाथों हाथ उस जगह पे पहुंच जाओ आप सभी और जो भी लड़का है उसका फ़ोन चेक करो, उसको पूछपरछ करो, इस तरीके की एक्टिविटी ये लोग करते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए जो कम्युनल माहौल खड़ा करने का इन्होंने प्लान किया था उसके हिसाब से हमने इनके ऊपर 153A, 505 और 201, क्योंकि ये लोग क्या करते 3 से 4 महीने तक एक ग्रुप को रन करते हैं और उसके बाद उस ग्रुप को बंद कर देते। इस मॉडल ऑपरेंटिंग में ये लोग चलाते थे, जो मॉरल पुलिसिंग ये लोग करते थे, हमारे संविधान ने जो अधिकार दे रखा है उसका हनन करते थे और ये इवन मॉब लिंची तक इन्होंने मैसेज इस ग्रुप में पास ऑन करते थे। तो इसलिए हमने इसमें कम्युनल कोई इंसिडेंट ना बने तो इसको ध्यान में रखते हुए इन तीनों को अरेस्ट किया है और हमने इनके मोबाइल फ़ोन हमने कब्जे लिए हैं और अभी FSL में भेजेंगे और उसमें से हम डेटा रिकवर करेंगे। ये ग्रुप पूरे वडोदरा शहर में फैला हुआ है, कोई भी एरिया में अगर इनको कोई लड़की दिखती है जो दूसरे धर्म के लड़के के साथ घूम रही है तो ये हाथों उस ग्रुप में मैसेज डालते हैं, जो भी पास में होता है उस एरिया के वो हाथों वहाँ पहुँच जाते हैं और उसके लड़की के साथ मिसबिहेव करते हैं। ये ग्रुप में इनको जो इंस्पिरेशन मिलती है हो सकता है वो बाहर के राज्यों से भी मिलती हो, क्योंकि इनमें से एक मोबाइल में हमें जो है दूसरे स्टेट के साथ कनेक्टेड है इस तरीके की भी डेटा मिला है। तो हम इसमें तपास कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ से इंस्पायर होते हैं या सेल्फ इंस्पायर है, लेकिन पूरे वडोदरा शहर में इनका नेटवर्क फैला हुआ ये बात सच है। अभी हमको 4 से 5 लोगों के वीडियो मिले हैं और हमें 3 से 4 लोगों की ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिली है कि जिनके साथ, जिनकी फैमिली के साथ इन्होंने इस तरीके की घटना की है। जैसे किसी लड़की को दूसरे धर्म के लड़के के साथ देखा गया तो उसका वीडियो बनाकर उसकी फैमिली को और उसके इन-लॉज को भेजते थे कि इसको हाथों हाथ इस लड़के का रिलेशन ब्रेकअप करवा दो, नहीं तो हम जो है इसको पूरे समाज में घुमाएंगे। ऐसा एक इंसिडेंट हमें जानने में मिला था जिसमें इसके फैमिली वाले भी काफ़ी परेशान हुए, तो हम उनको अप्रोच करेंगे और उनका भी स्टेटमेंट। ये इसी यही पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए जब हमने हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बढ़ाई और हमको ऐसा वीडियो रिसीव हुआ, क्योंकि आगे बड़े बड़े त्यौहार आ रहे हैं तो इस तरीके की तकेदारी रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन गया है। जो ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम किया जाता है बेसिकली, इसके लिए हम लोगों ने ये कानूनी प्रक्रिया की है। जिस तरीके से व्यवस्थित रूप से ग्रुप बनाकर एक प्री प्लान्ड इवेंट को ध्यान में रखते हुए कम्युनल करवाने का जब इनके दिमाग में मकसद होता है तो हमारा पुलिस का ये फर्ज बनता है कि इसको किसी भी तरीके से रोका जाए। हम ये पब्लिक को ये मैसेज पास करना चाहते हैं कि कोई भी अगर आपका वीडियो बनाकर इस तरीके की करता है, आपके साथ बदतमीजी करता है, तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। हो सकता है हमारी पहुंच में वो लड़का हमारी पहुंच में नहीं हो, लेकिन अगर आपके साथ इस तरह कोई भी बिहेवियर होता है तो उसको इग्नोर ना करें, तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें, तो हम क्या है उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं।